क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं आ रहा। तू बता दे, मैं बता दूँ। चलिए मैम, यहीं पर रहना आपको। आ जाओ, मैं भी बैठूँ? हाँ। बिठा दें। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सब संध्या आप सभी को। मेरा प्रणाम है छोटो को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से और मेरी व्लॉगिंग आज स्टार्ट हो रही है मोमोज की दुकान के आगे से। मैं और काजी ऐसे ही शाम को आए थे, मैंने व्लॉग वैसे भी स्टार्ट नहीं किया था, सोचा शाम के टाइम कर लेती हूँ। अभी फ्री थी, मैंने कहा काजू को मैं व्लॉग स्टार्ट करके आती हूँ। और अभी मैं बाहर खड़ी हूँ, मुझे थोड़ी शर्म आ रही, पर कोई बात नहीं, थोड़ा झेलना पड़ता है। बाकी आज इंडिया और वहाँ का मैच चल रहा है, तो बहुत भयंकर, मतलब रोडों में और टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस टाइम कुछ भी भीड़ नहीं दिख रही। सब लोग मैच देखने में बिजी है, जहाँ जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे गए वहाँ पे भी भीड़ ही भीड़, और यहाँ आए थे यहाँ भी भीड़ ही भीड़, मतलब मैच में ही सब, और यहाँ भी आए थे यहाँ भी सब मैच ही देख रहे हैं। तो सबके धड़कने बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसा लग रहा माहौल को देख के बहुत गर्म हो रखा है। तो चलो देखते हैं, वैसे तो है ना जो भी होगा, फिलहाल हम मैं जाती हूँ, काजू अंदर ही है। मैं बीच रोड में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज खास दिन है, तो हमने दो प्लेट मोमो मंगवा ली। अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमें नहीं पता, बस हम खा लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी ना। चलो खा लो दोस्तों, सबसे पहले मेरे व्यूअर भी लीजिए। नहीं खा रहा? अच्छा आप मैच देखने में बिजी हो, चलो हम खा लें। हाय, तो कुछ टाइम से आप लोगों को मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सिमू अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करो हमारे साथ प्लीज़ 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 करके। तो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया कि आप लोगों को बताऊं करके ना, तो आज मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों को बता ही देती हूं। तो जैसे कि मेरे व्यूवर्स मुझे शुरू से देख रहे थे, उन्हें पता है मेरे फेस पर बहुत सारी झाइयाँ थी, अभी भी है, लेकिन पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब डार्क एकदम से दिखती थी, अब मेरी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है, वो सिर्फ क्योर स्किन की वजह से। आपको पता है जैसे कि मैं कुछ टाइम से क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। बेसिकली क्योर स्किन एक ऐप है और ये बहुत ट्रस्टेबल ऐप है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपकी बात सीधा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से होती है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड, कि आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एज कितनी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पीरियड से रिलेटेड, और आपकी कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद बारी आती है हमारे फेस की, जो फेस का जो चेकअप होता है ना, वो हम सब अपने घर बैठे बैठे करते हैं, कुछ इस टाइप से। हमारा जो फेस का फ़ोटो होता है वो फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद उसे पूरा एनालाइज करके देखते हैं कि फेस में कितनी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें एक किट तैयार करके देते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, जैसे हम और टाइम होता है तो हम लोग स्पेशली डॉक्टर के पास टाइम निकाल के जाते हैं कि भाई जाना है करके, और वहाँ जाके हमें काफ़ी टाइम वेट भी करना पड़ता है, और ख़र्चा तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा फीस होती है डॉक्टर की। लेकिन यहाँ हमें ये सारी चीज़ें मुफ्त मिल रही है, यानी कि जो हम चेकअप वगैरह कराते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, वो सब फ्री है। लेकिन जो आपकी किट होती है, बस उसके आपको पैसे देने होते हैं। मेरे फेस में जो जो प्रॉब्लम थी, जितनी प्रॉब्लम थी, उसके आधार पर मुझे फिर ये किट मिली। इसमें मुझे चार प्रोडक्ट मिल रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो, तो मुझे ये चार प्रोडक्ट मिल रखे हैं, इनमें सबसे पहले मुझे मिला है फेस वॉश, इससे सुबह शाम अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद ये है सनस्क्रीन जेल, इसे हमें दिन में लगाना है। उसके बाद ये है सूटिंग हाइड्रा जेल, ये रात को लगाना है नाइट में। और ये है अल्ट्रा ग्लो जेल, इसे वहाँ पे लगाना है जहाँ पे मेरी झाइयाँ हैं डॉट डॉट पे, तो ये नाइट के लिए है और इसे एक दिन छोड़ के लगाना है मुझे। इसी के साथ डॉक्टर ने मुझे एक डाइट प्लान कस्टमाइज की है, जिसे मैं फॉलो करती हूँ, और क्योर स्किन के जो ये प्रोडक्ट हैं इन्हें यूज करते करते डॉक्टर एक महीने के अंदर अंदर फिर से दोबारा चेकअप करते हैं कि कितना कितना इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो भी होता है तो वो देख के अपने हिसाब से बता देते हैं, है ना। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से ऐप को, क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो Simu100 तो आपको 100 रुपये तक की छूट मिलेगी, तो जल्दी से जाइए, इस मौके को बिल्कुल ना गवाइए। तो मैंने तो फटाफट खा लिया, लेकिन काजू के अभी 2 बचे हुए हैं, तब बोले मोटी तू कितनी जल्दी खाती है। मैं बहुत स्लो खाती हूँ। बेबी तू पहले खा,
मैं जा रही हाथ धोने। थोड़ा सा मिश्री खा लो मेरा दगड़ियो। काजू तो जरूरी खाएगी, मेरे को पता था। चलिए मैम यहीं पे रहना आपको, आ जाओ। आगे गड्ढा भी है, नाला आगे खड़ोरो। काजू को सच में यार मानना पड़ेगा, पूरी रोड सुनसान पड़ी है, देखना लोग मैच के इतने दीवाने दीवाने दीवाने। उठा देगी तू मेरे को? उठा दूंगी तेरे को। चल बेबी पहले तू उठा, उठा ही नहीं पाती है। चलो चलते हैं, दिख रही मैं अच्छी दिख रही होगी ना? या अबे सड़क निकाल। चल बेबी तू पहले जा। तो यहाँ शादी है, शादी के लिए काफी भीड़ दिख रही है मुझे। हमें भी जाना था, कोई नहीं गई। अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े सिलवाने देना, क्योंकि हम दोनों गरम सूट लेके आए थे, वो सिलवाने देना है। चल 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 बेबी अंदर ही ले जा। नहीं अंदर नहीं जाती। काजू चली गई गाड़ी पार्क करने। मैं भी बैठूं? हाँ। बिठा देना यार। हाँ। बैठ रही मैं भी बैठ रही। हाँ। बैठ रही मैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेलर मस्तरानी जी के पास। मेरा भी गर्म ही है। ले बहन काजू बहन दोनों सेम लाए इस बार। हमने कहा देवरानी जिठानी एक जैसे कपड़े पहनेंगे तब लगेंगे हम देवरानी जिठानी। काजू के उसमें के लिख दो और इसमें रावत जी लिख दो, मेरे वाले में वन मैन आर्मी। काजू क्या बोलती है यार, क्या कौन आया था है भाभी? कौन आया था? मेरा फ्रेंड। भाभी बोल रही थी तेरा फ्रेंड आया था कि कल, क्या बोल रहा था? आप आते नहीं बोला उस टाइम, जिस टाइम वो आते चलो भाभी चलते हैं। फ्रेंड को बोलना कि सिमो आई थी। ठीक है बाय। भाई आने वाली है 25 तारीख के, बोल दूंगी। चलो ठीक है बाय। क्या मत मैं भी बैठू इसमें? बैठ जा काजू, चल दो मत। टाटा टाटा बाय। पुची की तरह कर रहे हो अभी, इतना लंबा हाथ करके कैसे? मत मत अच्छा लगता है मुझे। इधर आ, इधर आ, फटाफट इधर आ, इधर आ चिमकांडी, इधर आ। सासु माँ बोलेंगे कहाँ गए? अबे इधर से निकल लेते ना, इधर से क्या प्रॉब्लम है? चल मोड़ दे बे। ले अबे कितना डर रहा, तेरी तरह थोड़ी ना मैं जो तेरे को काट दूंगी। इधर आ, अबे इधर आ, प्यारी करूंगी काटूंगी थोड़ी ना। अच्छा मैं इसके साथ थोड़ा मैं फिरकी ले रही इसकी। आजा आजा यू नो। चलो यार नहीं आ रहा हो, देख ले बा, 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 चलो लालू को मिलेंगे, लालू अच्छा है। कपड़ा गंदा खाए ऊपर से ढूंढ क्या ढूंढ को प्यार दे लो। चल लालू बाय। यार मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आप लोगों का। अभी मैं और काजू ऐसे बातें कर रहे थे तो काजू ने कमेंट पढ़ा होगा मेरे ब्लॉग में, तो वो यार ये क्वेश्चन बड़ा आता है, इसका थोड़ा लोगों को जवाब दे दे। तो वो कमेंट का जवाब मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी आता है। सच में इंस्टाग्राम पे भी आता है, मेरे को भी काजू को भी। तो मैं आपको ना वो थोड़ा घर में जाके रिलैक्स होके देती हूँ, क्या पता मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है ना। काजू देगी आपको जवाब। फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं। इसकी हाँ नैना की एनिवर्सरी भी चली गई हमारी, नैना को आए हुए पूरा एक साल हो गया। तो फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। वाओ अभी टीवी चले ना है जी। क्या हो उदास क्यों? मैच है मैच। अब मैं बोलो तो बोलो असुब बातें बोलती है ये लड़की। काजू आजा तेरे से सवाल है भाई। हम काजू का सवाल कंप्लीट कर देना। तो बहन यार तेरे लिए जो इतना सवाल है लोगों का थोड़ा जवाब तो देना बनता है ना।
तो भाई बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे, एक साल पूरा हो गया ना उस ब्लॉग को बने हुए, और वो ब्लॉग हमने गाड़ी के पर्पज से बनाया था कि हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। तो हाँ, तो लोगों के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और कोई प्लेटफॉर्म भी है, फेसबुक पे, कि आपकी जेठानी जी की डिलीवरी डेट कब है। तो ये बात तो भाई मेरी जेठानी जी बताएंगे। बता क्या बताऊं, मैं समझ नहीं आ रहा, तू बता रहे, मैं बता दूं? हाँ, लेकिन चलो, तो वैसे तो ये बातें बताई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। साफ और सीधी बात यह है कि मैंने वो एक साल पहले वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि हमारे घर मेहमान आने वाला है, और उसके अगले दिन मैंने बोला था कि हमारी कार आ रही है। तो नैना की बात हमने की थी अपनी कार की, आप लोगों ने पता नहीं किया, तब से आपके लगातार वही कमेंट की डिलीवरी डेट का, डिलीवरी डेट, और उसको मैंने क्लियर करने के लिए बाद में स्पेशली एक ब्लॉग बनाया था पूरा, लेकिन फिर भी आप लोगों के वही क्वेश्चन। तो क्या बोलूं, कुछ लोगों के तो समझ आ गया था, पर कुछ लोगों को पता नहीं, उन्होंने वो ब्लॉग देखा होगा उसके बाद शायद देखा ना हो, है ना, तो सोच रहे होंगे तब। तो काजू भी बहुत परेशान होगी इन सवालों से कि मैं जवाब क्या दूंगी। तो बस यही बात थी, वो नैना की वाली बात थी, और बाकी बीच में हम प्रैंक वगैरह करते हैं, तो शायद उसके करके बोल रहे होंगे, तो वो मैंने साफ सीधा लिखा था कि प्रैंक है करके, बाकी आप लोग देख लो, एडजस्ट कर लो कहीं इन बातों को, है ना। बाकी हम खाना खुना तो अभी हमने बनाया नहीं, टाइम कितना हुआ भाई, 8:30 वाले, तो हम खाना बनाएंगे हम दोनों, तो लेकिन उनके लिए तो फिर चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है करके।